सो बेसिकली करंट ऑफ हो गया था करके मैं अभी नींद से उठा नहीं, तो मैं उठता भी नहीं। सो अभी ऑलरेडी 9:30 बज रहा है अभी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली। सो बेसिकली अभी तो करंट ऑफ है, अभी पता नहीं कब तक आएगा। और टिफिन वगैरह भी बनाना है, सो थोड़ा प्रेशर भी आ रहा है अभी, पता नहीं कब तक क्या हो पाएगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसके बाद ही होगा, उसके बीच पीयू को भी छोड़ने जाना है, उसका भी ऑफिस छुट्टी नहीं है, पता नहीं। मैं थोड़ा उठ के फ्रेश ना होता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। बेसिकली मेरा बाकी सब काम हो गया है, अभी फेस का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं जाऊँगा, पहले टिफिन जुगाड़ करता हूँ, बाहर जाता हूँ, कुछ खाने का सामान वगैरह लाता हूँ, क्योंकि पीयू अभी ऑफिस के लिए जाएगा, तो खाने का सामान वगैरह पहले लेके आ जाता हूँ। बहुत जोर का भूख लग रहा है आदमी। सो बेसिकली सुबह सुबह उठ के, जैसे मैं बोल रहा था कि फेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बालों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं तो ध्यान रखता ही हूँ। जैसे मैं बताया कि मामा का हेयर ऑयल, और अभी मैं नया वाला प्रोडक्ट 2 महीना 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा था, उसका रिव्यू मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वाला वाओ का एक प्रोडक्ट है, वाओ सीरम करके, ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। सो इसका क्या होता है, ये फेस का जितना भी टोन, जितना भी डार्क स्पॉट वगैरह है ना, सब कुछ रिमूव कर देता है, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छा है कि हर्बल है, सो कोई इफेक्ट नहीं है, हर टाइप स्किन के लिए है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फटाक से यूज़ किया, फटाक से बोल दिया, पहले ही मैं बोला कि 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करके मेरे को रिव्यू अच्छा लगा, मेरा हुआ काम करके मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फटाक से यूज़ किया, फटाक से बोल दिया। आप लोगों को भी पता है कि मेरा अभी 128 सब्सक्राइबर है। सो ये सब्सक्राइबर ना मेरे को प्रमोशन मिलता है, ना मेरे को कुछ। सो मेरे को जो यूज़फुल लगता है, मेरे को लगता है हाँ दूसरों का हेल्प हो सकता है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो अभी वही बैठ के मैं सोच रहा था, मैं बहुत दिन से, मैं जब मेनलैंड में था, जब मैं यहाँ पे आया, इससे पहले भी जब मैं ब्लॉग बनाता, मैं बोलता था कि स्टॉक्स में, फिर बिटकॉइन में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो अभी मैं थोड़ा थोड़ा टिप्स देना शुरू करूँगा, मतलब मैं भी सोचा कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा टिप्स बोल सकता हूँ। जैसे मैं अभी मैं रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ, मतलब 2-3 महीना हो गया है मेरा इन्वेस्ट कर रहा। सो एक चीज़ मैंने सीखा है, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो डेली बेसिस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एकदम मॉर्निंग में जैसे 9 बजे शेयर मार्केट ओपन होता है, सो 9:30 to 10:30 इसके बीच में आप इन्वेस्ट करो, बाई कर लो, सेल मत करो, बाई कर लो। बाई करके फिर एंड तक, मतलब 3:30 बजे तक ख़त्म होगा, उससे पहले आप सेल करो, क्योंकि ये टाइम में आप होगा जब 9 से 9:30 से 10:30, जैसे मैंने मार्केट रिव्यू मैंने देखा है, लेकिन बहुत सारा स्टॉक्स का ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ स्टॉक्स का ऐसा होता है 9:30 बजे तक सब हाई रहता है ओपनिंग टाइम में, और क्लोजिंग टाइम में भी हाई हो जाता है। सो अगर ख़रीदते हो 9:30 बजे तो 3:30 बजे तक उसको सेल कर दो, लेकिन मार्केट के सामने बैठे रहो। मेरा टिप्स, छोटा मोटा टिप्स है, मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया वैसे ही मैं बता रहा हूँ। मैं जहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे ऐसा ही होता है वो जगह में। सो एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस, कभी कभी ऐसा भी होता है 9:30 बजे मैंने इन्वेस्ट किया और 12:30 बजे उसको उठाना पड़ा, इतना हाई हो गया था मार्केट। सो ऐसा होता है। सो एक छोटा मोटा एवरेज दिन में जो होता है वो वाला टिप्स ही मैं आपको दूंगा। सो उसी हिसाब से मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बोला, अगर आप लोगों को ख़रीदना है, बाई करना है, इन्वेस्ट करना है, तो सबसे सिक्योर वाला जो प्लेटफॉर्म मैंने देखा है इन्वेस्ट करते हुए वो वाला ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप सबसे अच्छा वाला, सिक्योर वाला है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ है, तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं है तो म्यूचुअल फंड में दे दो, म्यूचुअल फंड भी एज रेस्पेक्ट सेम ही है, आप वहाँ पे दोगे कंपनी वहाँ से स्टॉक्स में इनकम करेगा, करके रिटर्न आएगा, सो सेम ही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप अगर सर्टिफाइड वगैरह कुछ चाहते हो तो ग्रो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इतना दिन मैं विंडोज़ जो नॉर्मल बाज़ार में मिल जाता है, नॉर्मल कॉपीराइट वाला वर्शन, वो यूज़ करता था। अभी मैं यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ वो ओरिजिनल वाला वर्शन है। तो जैसे कि इससे पहले वाला ब्लॉग में मैं बता रहा था, बहुत ही फ़र्क है। सो सच्ची में भाई बहुत ही फ़र्क है यूज़ करना, और मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही फ़र्क है। सो इतना दूर तक आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, तो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन।
और एक चीज़ क्या है कि शेयर मार्केट में जैसे मैंने बोला करके आप लोग इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप पहले देखो शेयर मार्केट को, पहले सीखो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। मैं छोटा मोटा टिप्स दे दूंगा, अभी इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि पैसा आप लोगों का है। जैसे मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, इसमें 100% रिस्क भी है, 100% रिस्क है कि कभी आप हो सकता है, कभी डाउन हो सकता है, ठीक है। सो आप जब भी इन्वेस्ट करो वो आपके ऊपर रहना चाहिए कि आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप रिस्क फैक्टर लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। सो मैं छोटा मोटा टिप्स दे सकता हूँ कि कौन सा जगह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना टाइम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं छोटा मोटा टिप्स दे सकता हूँ। अभी करोगे कि नहीं करोगे वो आप लोगों के ऊपर है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले देखो, समझो, पढ़ो, उसके बाद ही टिप्स लो, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना। सो बेसिकली अभी हो रहा है 2:10, यहाँ पे 2:10 बज रहा है। अभी प्यूक को लाने जाना है, प्यूक को लेके आऊँगा, उसके बाद खाना मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया है, वो वाला अभी गर्म करना पड़ेगा, उसके बीच प्यूक को लेके आना है, गर्म हो जाएगा, फिर आके खाना गर्म करूँगा, प्यूक को प्यू और मैं खाऊँगा, उसके बाद उसको छोड़ के मेरे को ऑफिस जाना है, वहाँ पर थोड़ा मुँह दिखा के फिर आना है, फिर आके मेरे को थोड़ा सा लैपटॉप में बैठना है, मेरा पर्सनल काम है थोड़ा 1-2 घंटे का, वो ख़त्म होने के बाद मेरे को ब्लॉग एडिटिंग में बैठना है। बेसिकली 50% हो गया, और 50% म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है, उसको यूट्यूब में डालना है। सो वहाँ पे और आधा घंटा से 1 घंटे का काम है ब्लॉग एडिट में। सो आज भी ब्लॉग आ जाएगा। सो मैं जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था कि डेली ब्लॉग आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी डेली ब्लॉग डालने का। छोटा होने से भी मैं डाल देता हूँ अभी ब्लॉग, इतना छोटा होने से भी नहीं डालता। कल जैसे 22 मिनट का ब्लॉग आया था, अभी ये वाला ब्लॉग शायद से 8 मिनट का या 10 मिनट का ब्लॉग आ सकता है, मेरे को पता नहीं कितना देरी का ब्लॉग आएगा। सो होपफुली अगर आप ब्लॉग देख रहे हो, ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोगों का प्यार दीजिए मेरे को। बेसिकली अभी मैं ऑफिस से आया, आने के बाद आज बहुत कुछ बाजार किया हम लोग, मार्केट से लेके आए, और मैडम अभी कॉस्ट शीट पे बैठा है, यहाँ पे देख रहा है कि क्या क्या प्राइस। मैं थोड़ा महंगा, मेरा एक गलती हो गया, ये वाला कंडीशनर था, और मैं ये वाला जो पड़ा है यहाँ पे स्मूथ एंड शाइन, मैं शैम्पू देख के उसको पड़ा, मैंने शैम्पू है करके मैं लेके आ गया, नहीं मेरा गलती है वो वाला, कल मेरे को जाना पड़ेगा चेंज करने। तो फिलहाल बाकी सब कुछ जो मैडम ने बोला वो मैं लेके आ गया, कल जाना पड़ेगा फिर से। सो बेसिकली घर के लिए जो जो सामान हम लोग लाए थे, किचन के लिए खाने का सामान वगैरह, सब कुछ अपने अपने जगह मैंने स्टैक करके रख दिया, मैं और प्यू मिल के सब अपने अपने जगह स्टैक हो गया है। अभी मैं बना रहा हूँ रोटी, जो आज रात का खाने के लिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, और रोटी के साथ चिकन है, जो चिकन कल थोड़ा हम लोगों का पिकनिक हो गया था, गेट टुगेदर हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा बहुत चिकन बचा हुआ है, वो वाला चिकन अभी यूटिलाइज़ कर लेंगे, रात को खा लेंगे चिकन और रोटी, रात को हो जाएगा। फिर कल सुबह जैसे राइस वगैरह बनाना है, सोच रहा हूँ कि अभी बना लूँ कि कल, और ऐसा नहीं कि प्यू नहीं आता, प्यू भी आता है। सो वो अभी बाथरूम का देख रहा है, वॉशिंग मशीन वगैरह बाथरूम चला गया है, सो वो बाथरूम का वॉशिंग वगैरह देख रहा है, क्योंकि एक दिन के बाद एक दिन पानी आता है, इसीलिए वो अभी वॉशिंग देख रहा है, क्योंकि कल पानी देगा आज पानी नहीं देगा। सो इसी हिसाब से वो अभी वॉशिंग का देख रहा है, मैं किचन का देख रहा हूँ, दोनों मिलके आधा 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 करके काम बटोर लेते हैं। तो मेरा रोटी हो गया है रेडी, मैंने रोटी बना लिया, मैं और प्यू मिलके थोड़ा थोड़ा करके, अभी मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं बनाने के बाद किचन का हालत पूरा ऐसा हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन साफ भी कर देता हूँ, मैं भी थोड़ा कर देता हूँ, वो भी थोड़ा कर देता है, इसलिए साफ हो जाता है, इसलिए गुस्सा नहीं करता है। सो मेरा किचन में घुसूँगा तो ख़राब कर दूँगा, किचन का हालत एकदम ख़राब। तो मैं बेसिकली विदाउट गाना सुनते किचन में रह नहीं सकता, और आज जो मैं अभी बना रहा हूँ, बेसिकली मैं बोला था कि चिकन खाऊंगा रोटी के साथ, लेकिन नहीं, प्यू ने बोला कि चिकन नहीं खाना है, उसको आज थोड़ा आलू का सब्ज़ी खाना है, तो अभी आलू का सब्ज़ी हो रहा है, जो एकदम हल्दी छोड़ के एकदम वाइट वाला सब्ज़ी, जो मेरा भी बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है, उसका भी बहुत ही है। सो अभी वो वाला सब्ज़ी मैं बनाऊँगा। सो बनाते बनाते मैं वाला ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करूँगा। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, तो आप ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा, बाय गाइस, सी यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।